पार्क में अचानक दौड़ते हुए आई एक लड़की ने पकड़ी एक लड़के की कॉलर। हांसी में इस पार्क में क्या चल रहा था, देखिए पूरी वीडियो। बिल्कुल सीधे आते युवक की गुद्दी पकड़ी, उसको कुछ कहा आपने, क्या कहा बताओ मुझे। एक्चुअली उन्होंने कुछ सेटिंग, मतलब लवर वाली कहानी है, तो ऐसे तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, समय कम पड़ जाएगा, स्टोरी लंबी है। तो मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हादसे के अंदर आपको बता दें, काली देवी के समीप पार्क के अंदर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, हम वहाँ पहुंचे थे। आपको बता दें इस लड़की ने एक लड़के की गुद्दी पकड़ी है, मामला क्या था, फिल्म की आखिर क्या शूटिंग चल रही थी। हम मौके पर पहुंचे, हमने सीन को भी शूट करने का काम किया, बातचीत करेंगे पहले रूबी चौहान से, फिर लड़की से बात करेंगे, फिर उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबसे पहले हरियाणा पोल खोल को मेरी तरफ से राम राम और धन्यवाद। सर शूटिंग चल रही थी, किस चीज़ की शूटिंग चल रही थी यहाँ? ये एक हरियाणवी फिल्म की शूटिंग है, ये हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, एक बार इनसे बात कीजिए। बताइए सर, बताइए सर, आप बता दो, ये तो थोड़ा पीछे हट रहे हैं। हाँ जी बताइए, पूछिए। तो क्या किस चीज़ की शूटिंग चल रही थी? ये एक फिल्म कर रहे हैं हम नफीसा। हाँ, ये बेसिकली कबीले की कहानी, एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी है, कबीले की कहानी है, उसकी शूटिंग चल रही थी। हाँ उसकी शूटिंग चल रही है। तो कितने दिन से चल रही है शूटिंग? आज इसका मुहूर्त किया है। अच्छा, मुहूर्त किया है। पहला शेड्यूल इसका अभी हमारा जो है 12 तक रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल जो हमारा अगस्त में रहेगा इसका। तो कितने दिन चलेगी शूटिंग है? शूटिंग सर कम से कम इसका 22 दिन का शेड्यूल है। तो चौहान साहब लगातार देखते हैं आपकी, काफ़ी फिल्में आती है, हमें रिलीज भी होती है, यानी कि काफ़ी इंटरव्यू आपके हम कर चुके हैं। मैं बस कोशिश करता हूं कि एक अच्छा एक्टर बन जाऊं, और वही कोशिश मेरी जारी है। अब की बार मैं रविंद्र बाजवा नन्ना के शरण में आया हूं, और इन्हीं की फिल्म में एज ए एक्टर काम कर रहा हूं। मेरा करेक्टर है पप्पू, मेरा रोल है पप्पू। हाँ, और मैं नेगेटिव ही प्ले कर रहा हूं। सर लगते तो ऐसे हो आप कहीं गुंडे मवाली हो, बदमाश हो, क्या आपके रोल भी फिल्म की इसी तरह आते हैं? कहना क्या चाहते हैं सर, गुंडे हैं रूबी जी, गुंडे हैं? नहीं बस दिखते हैं जैसे, लेकिन है सर मैं गुंडा नहीं हूँ, बस दिखता है ऐसा हूँ। रोल आपके गुंडों के आते कभी? बस सारे वही सबको पसंद आते, इसलिए मुझे रोल ऐसे देते हैं। सबको पसंद आपके रोल आते हैं, आप उसी के रोल करते हैं? जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं इंद्र लांबा जी से आग्रह करूंगा कि दो आपको वो दो शब्द। कैसे हो? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ हरियाणा पोल खोल चैनल को। और आप क्या पूछना चाहेंगे सर? सर आज शूटिंग चली थी, आपने भी रोल राल किया? हाँ मैंने रोल राल नहीं किया, रोल किया है। मैं सरपंच हूँ गांव का। कौन से गांव के? जिस गांव में शूटिंग चल रही है आशिका सरपंच हूँ मैं। मेरे दो बेटे हैं, एक बेटे की शादी हुई हुई है और एक बेटा विदेश से आया है, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी आदतों से लाचार है, वो कुछ ऐसी गलती कर बैठता है कि मैं उसको घर से बाहर करता हूँ, गेट आउट फ्रॉम एयर। तो क्योंकि एक सरपंच होने के नाते, एक जुम्मेवार होने के नाते, अपने औलाद को समझाने के लिए बाप को जो है ना काफ़ी अच्छा रोल करना पड़ता है, बहुत अच्छे तरह समझाना पड़ता है, ताकि फिल्म देखने वाले भी ये सोचे हाँ भाई बूढ़े ने ठीक काम किया, बच्चे को ठीक दमकाया है, नहीं तो अगर आने वाली पीढ़ी इस तरह से बिगड़ेगी तो कैसे काम चलेगा। जी तो आपका भी रोल था? हाँ जी नमस्कार। मैं देख रहा था आपकी जो रोल चल रहा था, शूटिंग चल रही थी, आप आए बिल्कुल सीधे आते युवक की गुद्दी पकड़ी, उसको कुछ कहा आपने, क्या कहा बताओ मुझे। एक्चुअली उन्होंने कुछ सेटिंग, मतलब लवर वाली कहानी है, तो ऐसे तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, समय कम पड़ जाएगा, स्टोरी लंबी है, तो बाकी आप लोग देखते रहिए, अच्छी है, नफीसा मूवी का नाम है, और सब लोग अच्छे अच्छे से काम करते हैं। मैं पहली बार इस टीम के साथ काम कर रही हूँ, बट अच्छा लग रहा है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, श्रीनगर से, लेकिन दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, कश्मीर से हो, दिल्ली में रहते हो, शूटिंग आप आसी में कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा में ही करती हूँ मैं। हरियाणा में करते हो? तो कितने के फिल्म में काम कर चुकी हो आप? मैंने एक मूवी मेरी रिलीज हो चुकी है, बाकी सीरियल है, 3-4 सॉन्ग भी हैं हरियाणा में। तो आसी में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, इस टीम के साथ में और ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। टीम में सारे खतरनाक है, इनकी रोल करने वाले सबसे ज़्यादा सर खतरनाक है। देखो ये खतरनाक है ना, इनमें चलो भाई कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, जब इतने लोग कह रहे हैं तो ये के झूठे करे जाएंगे। खतरनाक उतार दिया जी, भगवान ने इनको खतरनाक उतारा है, भगवान ने स्पेशल इनके लिए एक संडे का टाइम लिया, उस दिन लाइट भी नहीं थी जब ये बनाए गए थे। एक आपकी मूवी आई थी खूब चढ़ी थी, वो रात के समय बनाई थी, भूतों वाली, डर सबको लगता है। बहुत अच्छा, बस हमने कोशिश किया था, वो दर्शकों ने पसंद किया, उसके लिए सभी का धन्यवाद,
और आपने कवर किया था उसके लिए डबल आपका धन्यवाद। एक शूटिंग आपकी एक हुई थी स्विमिंग पूल में, आपने डाक मारी थी। हाँ, वो स्विमिंग पूल में वो कुछ राजनीति तथ्यों पे थी, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि राजनीति से पंगा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सही है। तो क्या लग रहा है कि जैसे शूटिंग करते हो इसका तो नहीं आप जो शूटिंग करते हो, क्योंकि फिल्में होती है ऐसी वैसी होती है, जैसे आपने आज बनाई है, आज रोल किया है, डरते नहीं हो बिल्कुल? डरना क्या है कैमरे के आगे, सभी करते हैं, सारे एक्टर अगर डरने लग गए तो फिर एक्टर किस बात के। लड़की क्या कर रही है, जो एक्टर का रोल अदा कर रही है, ये सब तौर पर कह रही है मैं डरती नहीं, डर मुझे लगता नहीं, डरने का मैं कभी काम करती भी नहीं। डरने वाला कोई काम ही नहीं है इसमें, अगर डरेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो आपके माता पिता आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज मैं शायद यहाँ पर हूँ, और मुझे लगता है आगे भी सपोर्ट करेंगे, और जनता अगर ज़्यादा सपोर्ट करेगी तो ज़्यादा बेटर है। जनता सपोर्ट करेगी तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, जनता की वजह से ही बनते हैं, तो जनता का सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा है। लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं इस समय हम पार्क के अंदर हैं, यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है, और हम शूटिंग के बीच में यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बातचीत की गई, कलाकार है ये, यानी कि अक्सर फिल्म बनाते रहते हैं, और जब भी ये फिल्म बनाते कोई ना कोई तो हम उसको अपने कैमरे में शूट करने का काम करते हैं। आज ऐसी फिल्म उन्होंने स्टार्ट की है, उनका एक सीन भी आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार लड़के की गुद्दी पकड़ रही है ये लड़की जो कि सीन के अंदर है, वो आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक लगातार हम हरियाणा पोल खोल न्यूज़ पर दिखाने का काम करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।